अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं जा रही थी अपने दोस्तों के साथ बाहर अपना प्रे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मैं अपना जो बर्थडे वाला दिन होगा वो तो मैं अपने घर में और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो आज जो है अपने दोस्तों को जो है ट्रीट वगैरह दे दिया जाए, क्योंकि जब भी वो विश करते हैं तो विश के आखिरी नोटिस में, मतलब नोटिस के जो पैराग्राफ जो लिख कर सेंड करते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह, तो उसके आखिरी लाइन में ये ज़रूर लिखा होता है कि ट्रीट कब दे रहे हो, ट्रीट दे दो, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो उनके बोलने से पहले ही आज हम लोग ट्रीट दे देते हैं, इतने सालों से बोलते हुए आ रहे हैं, चलो आज हम लोग ट्रीट दे देते हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर घूमने के लिए, मेरी दोस्त और मैं जा रहे थे। अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर हम लोग घर से निकलेंगे। तो बस ओ माई गॉड, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा लश और ठंडा, और हवाएँ तो ऐसी चल रही हैं जैसे अभी कोई तूफान आने वाला है। यूं करके बादल निकले हुए हैं और सुबह से तो वैसे बड़ी हवा चल रही थी, बट अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है मेरी दोस्त आ चुकी है और नहीं दिखा रही, मैं नहीं दिखा रही, ये लोग अभी अपने ना वो पॉलिश वॉलिश करके आ रही है मुंह पे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इनको मेकअप में लगी पड़ी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, इन लोगों ने मुझे कहा था कि अंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, ये भंगड़ मन के घर में घूम रही होगी, जो हम जाएंगे तो ये बस अबाया पहन के घर से निकल जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल रेडी, कपड़े शपड़े भी बिल्कुल, मैंने अपने जो है ना अपना ज्वेलरी भी सब कुछ पहन लिया, लेकिन ये लोग भाई ये लोग नहीं रेडी। डार्क कलर लगाएंगी लाली। यहाँ पर हो चुके हैं हम लोग रेडी और बस हम लोग अब घर से निकलेंगे। आ जाओ, एक ये आ गई, दूसरी कहाँ है? हेलो, हाँ ये जा रही है, हुंजा जा रही है। तो अब ठीक है, अब सही है, चले चले। अम्मी हम जा रहे, अम्मी ये रहा मेरा आज का आउटफिट, मैंने शॉल पहनी साथ में ताकि जो है रास्ते में हम लोग जा सके आराम से। बाय मेरा बेबी, छोटू छोटू, टाटा कह रहा है, टाटा टाटा। बनाना अबे कोरियन बाहर निकल। दाउद मार्ट, ओ भाई साहब। हम दाउद में घूम रहे हैं, अब सही है, अब नूर आ गया और नूर जा रहा है, अब नूर आ गया, नूर आ गया। पेंसिल वाली ले लेते हैं, लंबी वाली, ये प्यारी लगती है भाई, जो दिखे ये दिखे भी, कितनी सारी लगाऊंगी, कहीं क्रिस्पी होगी। अच्छा नहीं ना, तो फिर मेरी भी दोबारा से बर्थडे होगी ना, उसका काम आ जाएगी। कैसी बातें करते हो तुम लोग बेवकूफ हो। अच्छा ये कैंडल कौन सी? अच्छा ये हमें 46 वाली। अरे हाँ, दो मिनट, हम 18 ईयर्स की लेते, मजा आएगा। नहीं नहीं हाँ 18 ईयर्स की लेते। अरे बताओ ना भाई साहब, ये सही है, अच्छी लग रही है, मार्कन लग रही है वो वाली। हमने शॉपिंग कर ली, शॉपिंग में क्या क्या लिया? हमारी पिक्चर बना रही है, चलो पेमेंट करते हैं ऐसे ढूंढते हुए। चलें जी हम लोग अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, उम्मीद करते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए, चलो यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। हम लोग गए थे पिकेंट कैफे, तो वहाँ पर जो है ना हमें लाइट का थोड़ा इशू हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता लोगों को देखकर, कि यार मैं फिर अपना ब्लॉग वगैरह किस तरह से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि लोग ना सारी ही देखते हैं।
इसलिए हम लोग दोबारा से पिकंडे कैफे जा रहे हैं यार। देखें यहाँ पर ना ये इस तरह की पेस्ट्रीज मिल रही है यार। पेस्ट्री लिखा हुआ था ये ब्राउनी वगैरह ना तो ब्राउनी मंगवा, एक ब्राउनी मंगवा लें और पता नहीं कितनी सी होगी फिर। तो यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या मंगवाएं क्या मंगवाएं। आ रहे को समझ में एक हैवी यहाँ पे मशरूम बर्गर जो है 900 रुपये का है। कौन करेगा? हाँ तो हमें क्या खाना है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम सुबह का नाश्ता कर रहे होंगे। मेरे बाकी गेस्ट आ चुके हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। अरे मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या मंगवाएं। यहाँ पे स्टेक मिल रहा है, पास्ता मिल रहा है यार। मेरे डाइटे पर तुम लोग मंगवा रहे हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बट क्या करें, लबनीस क्या होता है? अरेगा हो देगा ये। प्राउन्स मंगवा लें, प्राउन्स मंगवा लेते हैं और झिंगे मंगवा लेते हैं। प्राउन्स और झिंगे और क्रैप मंगवा लेते हैं। हम लोग गरीब नहीं जा रहे। अच्छा लगा, हार पिक रख देगी यहाँ पे। तो कौन बनाएगा? ट्राइपॉड रख लेकर आना चाहिए। चल मैंने वीडियो बना ली। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने मंगवाना क्या है और खाना क्या है, और बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बोल रही हूँ ये पास्ता ग्रिल चिकन अल्फ्रेडो। ओके यार मैं तो कहती हूँ इसके ना चाउमीन मंगवाते हैं। चाउमीन बिल्कुल सिंपल प्लेन स्पैगेटी होगी बस। अबे भाई आप इधर आई हैं, यहाँ पे नहीं होगा सिंपल सा कुछ भी। बाल ऐसे करवाऊंगी मैं अपने। मजे का है ना ये यार, खाने पे फोकस कर ले पिक्चर। और ये हमारा जो है पेस्ट्री आ गया, केक आ गया, बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। माय गॉड यार कितना मजे का लग रहा है। और यहाँ पे जो है अरिका अब मेरे बर्थडे केक पे मतलब पेस्ट्री ब्राउनी क्या बोलेंगे इसको, इस पे लगा रही है कैंडल्स। पिलर बना दिए भाई तूने तो, है ना? और अंबर उल्टा आ रहा है अभी 2 मिनट। ये देखो बस सही है ना। गाना दे।
नाम पहनाओ। मुस्कान, तो ये काम कर रही है, मेरी वीडियो ही बना दे, अच्छी बन जाए ताकि। हमारा हो चुका है केक सेरेमनी, पेस्ट्री सेरेमनी। यार बहुत मजा आया था। ओ इसको रख दे यार वापस, खा मत लेना इसको। यार रुको, अभी अभी इसको नहीं काट देना, मैंने आइसक्रीम खा ली थी। वाओ, अरे ये वो है ब्राउनी विद वनीला है ये। वाओ, बहुत मजे की है तो यार, ये तो बहुत मजे की है। यार बहुत मजे का ये तो यार, खाना भी मजे का होगा आई होप। कैसा लगा पेस्ट्री ब्राउनी विद वनीला? यार मैंने ना इसको पूरे हैदराबाद में बहुत ढूंढा था, एक्चुअली मैंने खाई थी, मैंने मैकडोनल्ड खाई, मुझे इतनी मजे की लगी थी, यहाँ की बहुत मजे की है। ब्राउनी तो मैं पबजी ब्राउनी ब्राउनी, ये ब्राउनी है जो मेरे बराबर बैठी है ना, जिसका नाम ब्राउनी है, जिसका निकनेम ब्राउनी है, हम उसको ब्राउनी बोलते थे, वैसे शमाइला भी कहते थे प्यार से। या मेरे फोन तुमने समझोगी। तो यहाँ पर बैठे हम लोग देख रहे थे मिस्टर बीन, और आप लोगों को यहाँ का मैं बताती चलूँ कि यहाँ का जो स्टाफ था तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर थे, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत हमारे मतलब दिन को स्पेशल बनाया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। करम खुदाया का खाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपकी ट्रीट हो गई, डन 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 डन, कैसा लग रहा है? पहली बार किसी दोस्त ने आपको ट्रीट दी है, कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बर्गर मेरा बग्गू नहीं आया, बग्गू से चलो दोबारा से। हाँ ये है अल्फ्रेडो। अच्छा मेरी इंग्लिश में ना थोड़ा सिंधियों वाला एक्सेंट आता है, मतलब ये है चिकन पास्ता। हाँ चिकन पास्ता है और गार्लिक ब्रेड है, साथ में जो है चिकन स्टेक भी, ओह माय गॉड ये भी दिया हुआ है, इसे पास्ते के साथ खाओ। साथ साथ में जो है ये हमने बर्गर मंगवाया है, करंची जिंगर जिंगर बर्गर। यहाँ पर हमारा आ गया है बर्गर, और साथ में हम लोगों ने मंगवाया है बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी पिज्जा, है ना? टेबल बजा बजा क्या चल रही है? माचिस का क्या काम है यहाँ पे, हम किसको आग लगा रहे हैं? और अब बात की जाए खाने के टेस्ट की, तो वो कैसा था? मतलब खाना बहुत मज़े का था, प्रेजेंटेशन पे बड़ा ध्यान दिया हुआ था, और दूसरा ये कि मतलब जो है टाइम पर आया था खाना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। शुरू शुरू में थोड़ा सा महंगा लग रहा था, लेकिन जब खाना आया और खाया तो लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, सही जगह पैसे लगा लिए हैं। लिखो अपना अपना जो भी है, जितनी भी इंग्लिश आती सब लिख दो यहाँ पे। यार मैं इस रेस्टोरेंट को नंबर दूँ ना तो अपना क्या लिखा है? अबे स्टाफ तो बहुत अच्छा अच्छा, फाइव नंबर वो, मैं समझी नंबर वन पे वो है, लेकिन पुअर है यहाँ पर तो नहीं, ये वो बोलेगा आप इतना किया मैंने इसका, ये मुझे पुअर दे के चले गए। ओके हाँ हाँ ये कर दो। अच्छा साथ में है ये कौन सा जो भी, अच्छा ठीक है यार बातें सुन रहा था हमारी। अच्छा इसके बाद आता है अंबर, लिखो अंबर डांस ऑफिशियल। ये भी बहुत मजे का था। सर्विस तो बहुत आउट क्लास थी इनकी, मेन्यू सिलेक्शन हाँ
अच्छा था, बस वो इंग्लिश इनकी ना थोड़ी सी अलग है, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हमारी इंग्लिश खराब है, इन लोगों ने सही लिखा, नाम चेंज करके लिखा था। चलो इसको नंबर देते हैं, 4 नंबर दे देते। गुड क्वालिटी, ज़बरदस्त थी भाई। ये क्या होता है ये नहीं पता चला। अच्छा चलो आओ इधर आओ ना। ओवरऑल रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा, मम्मी डैडी के साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। यार एक्चुअली यहाँ पे फास्ट फूड है ना, तो मम्मी हमारी कढ़ाई खाती है साथ में। नेम के अंदर लिखा है मैंने अपना नाम अंबरदास, एड्रेस में लिखने जा रही हूँ तो अब इसको मत दिखाना। नंबर बस कर दो ना। हम लोगों ने खा लिया है, खाना खा के फ्री हो चुके हैं और भारी भी हो चुके हैं, बहुत मज़ा आया, पेट भर चुका है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और मज़ा आया तुम लोगों का एंट्री हो तो मैं घर जाके लूँगी और अपनी दास्ता जो हुई है पूरे रास्ते में वो भी बताऊँगी। अभी हम लोग यहाँ से जो है घर की तरफ जाते हैं, फिर घर जाके हम आप लोगों से मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए जो हम लोग आपको नहीं बता सके। तो क्या घर जाके हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन खैर बस मैं रोने वाली थी, लेकिन चलो घर चलते हैं। घर जाके बहुत सारी शुक्र अल्लाह सुपर सुपर डैडी। चलो अब घर चलते हैं क्योंकि रात भी हो गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। बाय। 200 का ही होगा, 200-250 का। तुम लोग एक कली लो, जल्दी करो। आ गए हैं घर, ये लाते मार रही है मेरे घर को, मुझे थप्पड़ लगाओ। मेरी व्यूअर्स, तो हम लोग आ चुके हैं घर पे और बहुत मजा आया। हाँ, मुझे तो आया, हम लोग को है तुम्हें भी आया। फाइनली घर पे आ गए, कितने घंटे बाद आए पर हम लोग यार 3-4 घंटे बाद। कैफे वाला भी बोल रहा था कब जाओगे। एक्चुअली जो लोग आ रहे थे उनके कस्टमर्स, क्लाइंट, कस्टमर्स वो आके वापस जा रहे थे और हम अपनी जगह पे, हम अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, हम लोगों ने पूरा कैफे उठाया हुआ था। लेकिन बहुत मजा आया, खाना भी बहुत मजे का था वैसे उनका। और हम ना कैफे में जाकर फिर दोबारा आए, फिर हम गए, फिर दोबारा आए। और हमारे साथ मैं बताऊँ कि सीन क्या हुआ। सबसे पहले तो मतलब मेरे पास कैश नहीं था, ट्रीट मेरी तरफ से थी। नहीं यार क्या हो गया, इतनी दफा दे चुकी हूँ, तीसरी बार। मैंने मतलब मैंने अपना बैंक की तरफ रखवाया, लेकिन मेरा क्या हुआ कि कार्ड मेरा अंदर चला गया और फिर कार्ड वापस बाहर नहीं आया, मुझे वहीं पे अलविदा करके चला गया। और फिर वो कार्ड जो था ना मतलब अंदर ही फंस गया और मेरा कैश भी अंदर फंस गया, यहाँ तक के मेरे पास कैश भी नहीं था। फिर उसके बाद मुझे पापा को कॉल करनी पड़ी, फिर वो मुझे पैसे सुपर डैडी बनकर आया, वो सुपर पापा सुपर डैडी बनकर आया। फिर हम लोग एटीएम के बाद गए टीसीआर, टीसीआर के बाद गए दाउद मार्ट के बाद हम लोग कैंडल्स गई, फिर पिकेंट कैफे गए, फिर वहाँ से हम लोग गए लामोश। फिर लामोश हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पे रश हो रहा था, पिक्चर्स नहीं, फिर पिक्चर्स लेके हम लोग दोबारा से पिकेंट कैफे आ गए और वहाँ पे हम लोगों ने खाना जो जमा के और लश पश खाना था, मतलब बहुत मजे का था। सर्विस भी बहुत अच्छी थी, सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था और वेटर बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। साथ साथ में उन्होंने मेरी बर्थडे खुशी में हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ब्राउनी विद ब्राउनी, नहीं हुई खराब, वो समझ जाएंगे, मेरी बात समझ जाते हैं मेरे व्यूअर्स। तो हमारी जो ब्राउनी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री दी हमें साथ में कि आप घर जाके अपनी मम्मा को खिलाएं और आप खुद भी खाएं, तो हमें बहुत मजा आया। अभी हम दोबारा से ब्राउनी काटेंगे और खाएंगे। और इन लोगों ने जो क्या क्या गिफ्ट दिए ना मुझे, अब मैं इन्होंने अब तक दिए नहीं है हाथ, लेकिन आ जाएंगे, हम लेके गए और वापस लेके आ गए, वापस लेकर आ गए। तो आज का वीडियो कैसा लगा यार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम तीनों मिलकर जो है कैलिफोर्निया जाएं, कैलिफोर्निया वो अमेरिका वाला नहीं फिर। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें बता दीजिए, कमेंट करके जरूर, हाँ हमें बता दीजिएगा, लाइक करिएगा, बहुत मजा आया, शेयर कीजिएगा। बस यही हमारी मतलब जो दोस्त हैं, मतलब ये बहुत पुरानी दोस्त, पुराने ही अच्छे होते हैं, नए बनाओगे तो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है यार, वो मज़ा नहीं आता उनमें, पुराने दोस्त ही अपने जो है ना वो खींचते रहो तो अच्छा है। आज का प्रे बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसे लगी है ये भी कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इन लोगों की कोई बोंगियां होंगी अगर आप लोगों को गेस करें अंबर कितने साल की हो गई है,
18 years. वैसे तो मैं 19 years की हो गई हूँ, लेकिन मेरे सब मुझे व्यूवर्स सब बड़ा समझते हैं, इसलिए मैंने 21 years का अपना जो है सेलिब्रेट किया है. और दूसरा ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं 21 की हो गई हूँ. चले फिर भाई, सब्सक्राइब कर लेना. बाय. यू एंड आई आर फ्रेंड्स. यू लाफ, आई लाफ. यू क्राई, आई क्राई. यू स्क्रीम, आई स्क्रीम. If you jump off a bridge, come on, let's go. I'm gonna miss you, buddy.